डेयरी खेत्र विच उत्तरी भारत की नामवर मिल्क यूनियन लुधियाना वालों अपनी वेरका लुधियाना डेयरी विच नवें स्वैचालित डेयरी और मक्खन प्लांट का नींह पत्थर पंजाब सरकार के सहकारिता और जिला मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा वालों रखा गया। गलबात करते हुए उन्होंने दसिया है कि 104 करोड़ की लागत नाल बनने वाले इस डेयरी प्लांट विच अत आधुनिक मशीनरी लगाई जाएगी जिस नाल बिना किसी मनुखी शो दे बख-बख तरह के दुध पदार्थों की पैकिंग की जाएगी। इस मौके मिल्क यूनियन नाल जुड़िया सभावां नूं 2016-17 और 2017-18 का कुल लाभ तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए वंडिया गया। इस मौके सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने वेरका उत्पाद नूं बुलंदियां ते पहुंचाण लई पंजाब सरकार वालों कीतियां जा रही सुहिरद कोशिशों बारे चानना भी पाया। इस समागम की अगवाई कर रहे चेयरमैन भुपिंदर सिंह कुलार की अगवाई विच जिथे आए हुए विशेष मेहमानों का सन्मान किया गया उत्थे सहकारिता सभावां नूं लाभ दे चैक भी वंडे गए। साडा बहुत पुराना इत्थे मिल्क प्लांट है उहदे 110 करोड़ का नवा प्लांट जिहड़ा ला रहे हैं अज जिहड़ी कैपैसिटी है वह 5 लाख लीटर पर डे है जो ये नवा लगेगा 10 लाख लीटर पर डे इत्थे दी कैपैसिटी हो जाएगी। इहदे च नवा वाटर प्लांट लगेगा और एक मिल्क प्लांट लगेगा जिहड़ी एल पी जी थे कि इत्थों दे एनवायरमेंट जिहड़ा बहुत खराब रहिंदा धुएं का वो तो असं इन टोटल एल पी जी से इस प्लांट में करता बिल्कुल जी है पोल्यूशन जरा बिल्कुल असी खत्म कर दिता तो ये सारा हाइजेनिक होएगा सारा हाइजेनिक प्लांट होएगा और कोई भी ये जो मैनुअल नहीं होएगा सारा ऑटोमैटिक जरा वो प्लांट ला रहे बड़ा वधिया तुहाडा क्वेश्चन है जरा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने जिहड़ियां बिल्कुल डिफंक्ट हो गई ने उन्हों का मर्जर का साडा चल रहा कि वे अज 1950 जी प्रॉफिट पर ने बाकी कोई एट पार ने उहदा सारा कोई 500-700 जिहड़ी आ उह इहो जी सोसाइटी होएगी जिन्हों असी रिवाइव भी करांगे ते जे सानू मर्ज करनी पई किसी होर चों नूं करके तां कि किसी किसान नूं इहदे च जां उत्थों दे जिहड़े लैंडलैस लेबरर ने उहनां नूं बाहर ना जाणा पई इन्हां सोसाइटी दी रिवाइवल साडी बहुत जल्दी आ और असी इस साल दे विच इन्हां दी रिवाइवल कर। लुधियाना तों गुरमीत निजर दी रिपोर्ट कैमरामैन अमनदीप दे नाल फॉक्स.पंजाबी योर सिटी योर न्यूज़।